जैसे जैसे मैं खीड़ा की तरफ जा रहा हूँ, खीड़ा नमक वाली दुकान है, तो वहाँ तक जाते हुए मुझे लगता है मुझे जनाब ये ग्लव्स वगैरह दोबारा से जो है ना पहनने पड़ जाएंगे। ओए हो थोड़ी यार स्पीड है। ये कंपनी में जो है मैंने काम किया है तकरीबन जो है 4-5 मंथ जो है, मैं जेलम के दूध में मसले ही नहीं यार हूँ, तो अपना इलाका आ गया हूँ तो टेंशन वाली गल ही कोई नहीं। यहाँ ट्रक जा रहे हैं बहुत हैवी। ये जी आपको नीचे नज़र आ रहा है ये सारा जी जितना भी है, ये है जी चूहा सैदन शाह माशाल्लाह। जी तो भाई अभी जो है मेरा सफ़र जो है वो निकला हूँ चूहा सैदन शाह से चूड़ा वाली से, क्योंकि आपको पता है कटास राज वाला जो है ना प्रोग्राम वो तो कैंसिल हो गया है, तो वो खीड़ा वाली साइड पे जो है वो सफ़र जारी है। अभी देखते हैं रोड की कंडीशन क्या है, उस हिसाब से ही आगे पहुंचेंगे। जी तो भाई अभी सफ़र जारी है, ये मजी आई है भैंसें रास्ते में। ये पता नहीं गांव कौन सा, अभी गांव का नाम तो नहीं पता मुझे, तो जैसे कोई बोर्ड वोर्ड जो नज़र आया तो फिर आपको इंशाल्लाह मैं ज़रूर बताऊंगा। तो साथ में बताता चलूं कि मेरा सफ़र जो है वो खीड़ा की तरफ जा रहा हूँ, खीड़ा वाली जो नमक वाली जो दुकान है वहाँ पर जाना है। अभी दुआ करें कि वहाँ पर एंट्री जो है वो अभी खुली हो, क्योंकि कटास राज वाला जो है ना वो सीना बन जाए, क्योंकि कटास राज पे गया था तो वो एंट्री नहीं मिली है भाई। तो अभी जो है देखते हैं क्या बनता है, यहाँ पर हमारी किस्मत का खेल है अभी। यहाँ ट्रक जा रहे हैं बहुत हैवी। जी तो भाई अभी मुझे महसूस हो रहा है कि वादिये तोबर वाली हदूद में जो है मैं दाखिल हूँ, शायद ये ऊपर जो है ना वादिये तोबर है, ठीक है, यहाँ पर क्वेरीज वगैरह लगी हुई है। खुदा हाफिज। अभी जी मैं, वाह जी वाह क्या बात है जी, खुश आमदी जेलम, वाह। एक देखें जी, जेलम से आया चकवाल में दाखिल हुआ और चकवाल से जो है मैं जाते फिर जो जेलम में दाखिल होगा। अभी मैं जेलम के दूध में हूँ, मसला ही नहीं यार हूँ, तो अपना इलाका आ गया हूँ तो टेंशन वाली गल ही कोई नहीं। मैं वैसे ही डर रहा था भाई साहब, अभी तो टेंशन वाली गल ही नहीं रही यार। ये ऊपर जो है ना इधर मैं ऊपर इस जगह पर काम करता रहा हूँ, ये ऊपर जो तोबर वाला एरिया है जहाँ पर ये क्रश प्लांट वगैरह लगा हुआ है, तो इस कंपनी में जो है मैंने काम किया है तकरीबन जो है 4-5 मंथ जो है। ओए हो थोड़ी यार स्पीड है ये डंपरों की यार, अल्लाह माफ़ करे। जैसे जैसे मैं खीड़ा की तरफ जा रहा हूँ, खीड़ा नमक वाली दुकान है, तो वहाँ तक जाते हुए मुझे लगता है मुझे जनाब ये ग्लव्स वगैरह दोबारा से जो है ना पहनने पड़ जाएंगे। चूहे में तो बिल्कुल मौसम टका के ज़बरदस्त था, तो अभी ये क्या बना हुआ यार ट्रक वाले को, वैसे यार इनसे डर भी लगता है ना यार, बहुत लोड होते हैं बेचारे। अल्लाह मसले भाई साहब बहुत ही ख़तरनाक मोड़ है, लग पता जाता है भाई कि वाकई मोड़ है। कोशिश करें यहाँ पर अपनी बाइक या गाड़ी जो है
गियर में ही उसको कंट्रोल करने की जो है वो कोशिश करें, ब्रेक कम से कम जो है वो इस्तेमाल करें। इस ये मुझे जैसे लग रहा है रास्ता इसका तो यही असूल बनता है कि ब्रेक कम इस्तेमाल की जाए, क्योंकि जो गियर के हिसाब से है फिर वो गाड़ी आपको कंट्रोल में होती है। ये देखिए ना, ये इसमें पत्थर लोड है सारा, अल्लाह अकबर। पहले यहाँ पर एक वो शीशा सा लगा हुआ था लेकिन अभी यहाँ पर नहीं लगा हुआ। ये जी, अस्सलाम वालेकुम जी। इधर ये पार्किंग में मोटरसाइकिल पार्किंग में लगाते हैं अभी। कितना होगा।